हरियाणा सरकार ने चाला पैड दिया है, बिजली के रेट में बढ़ोतरी हो ली है। ये बिजली का बिल जो है पहले के मुकाबले घना आओगा और एक यूनिट के गिल्ले 52 पीसे बढ़ा दिए सरकार ने। लेकिन घनखरे के नेता ऐसे हैं जो डाकम डाक हो रहे हैं, बोले जी 52 पीसे बढ़ा दिए लेकिन पेट में दर्द हो गया उनका 52,000 आला। मैं भाई साहब क्या बात कर रहे हो, 52,000 थोड़ी बढ़ाए हैं, सिर्फ 52 पीसे तो बढ़ाए हैं, लेकिन नहीं ज्यादा बढ़ा दिए, ये कम होने चाहिए और कम के होने चाहिए, जमा फ्री में मिलनी चाहिए बिजली। आप लोग कहोगे भाई साहब वो किसान नेता कौन सा है जिसके 52 पीसे हम पेट में दर्द हो गया, उसका नाम है मनोज राठी, अपने सहमी है। राठी साहब राम राम। राम राम जी भाई, सिर्फ 52 पीसे हम पेट में दर्द हो गया, 2 रुपये बच जाते तो क्या कर दे। अच्छी बात करा, 52 पैसे नहीं भाई साहब, अरे नाश कर दिया नाश है। देखो मैं आपने कैलकुलेशन करके बताऊं भाई, बात सुन लो आप, यो देख लो एक बार आप, एक यूनिट का 52 पैसे बिल बन गया और 10 यूनिट का कितना बन गया भाई, 10 यूनिट का बन गया, एक दिन में 10 यूनिट काट है, मान लो कोई मीटर 10 यूनिट काट है एक दिन में, तो 5 रुपये 20 पैसे बन गया भाई साहब। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 5 रुपये 20 पैसे को 60 दो भी नाम बिल आवे ना, दो भिन्ना में गुणा कर दे तो यो बन गया 312 रुपये। क्या बात, 312 रुपये बिल फालतू आवेगा जो नॉर्मल बिजली यूज करे हैं, बिना एसी वाले हैं, सिर्फ पंखे पंखे तक काम चलावे हैं, और भाई साहब रात में भी सोंदानी करते बाहर सो है, पंखा नीचे नहीं सो है, उसका 600 यूनिट तो बिजली का बिल तो आना ही आना है, और जिसकी 1200 यूनिट बिजली आवेगी बिल उसका होगा 624 रुपये भाई साहब, 624 रुपये हर दो भिन्ना में मार पड़ेगी उस आदमी के। और ई बागी गर्मी भाई, एसी भी चलावेंगे, कूलर भी चलावेंगे, और भाई साहब ठंड ठंड के में तो बैठेंगे, गर्मी तक बचन का प्रावधान करेंगे तो बिल आवेगा मोटा, और सरकार ने लगा दिया झाड़ा आम आदमी के। मैं तो रणजीत चौटाला जी ने पूछना चाहूं, यो माल कट्ठा करके कड़े लेके जागा, जो माल इतना कट्ठा होने लग रहा है, लाखों रुपए बिजली बोर्ड से उपभोक्ता से लुट्टे लाने लग रहे हैं, वो पैसा कहां जान लग रहा है, वो हरियाणा के विकास पे लगेगा, आगे इलेक्शन आने लग रहा है, आपको पता होगा काफी सारे विकास करने, काफी चीजें होंगी, जनता को सब पता है, जनता तो बोलने को ना कि 52 पीसे रेट बढ़े है आपके पेट में दर्द हो गया। 52 पीसे, अरे 600 यूनिट तो कम तक आवे हैं, दो महीना में 312 रुपये हो गए, अरे भाई साहब मन मेरा 1200 यूनिट भी आऊंगी, क्यों गर्मी का मौसम आ गया, को कूलर भी चलाओगे, पंखे भी चलावेंगे, एसी भी चल लेंगे भाई साहब, यानी कि 624 रुपये पर महीने का झाड़ा लगेगा हर आदमी का, नोट कर लो मेरी बात। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आज तक विकास पर लगाया नहीं पैसा, कौन से विकास पर लगाऊं, कोई कहता विकास का नाम बता दो। मैं रणजीत चौटाला जी से पूछना चाहूं कि मंत्री बिजली मंत्री इसलिए बना था कि पूरा प्रदेश को लूट के खा जाओ, ऐसा है जो बीजेपी पार्टी है ना वो राष्ट्रहित की पार्टी है और देश के लिए बहुत स्वाभिमान तरीके से काम करती है, लोग दे देंगे पैसे 600 रुपये 624 रुपये बद्दी देने हैं, आए महीने दे देंगे, क्या बड़ी बात होगी, बीजेपी है देश का विकास कर रही है, राष्ट्रहित की पार्टी है, कोई और पार्टी है क्या राष्ट्रहित की, ऐसे सारी पार्टियां राष्ट्र विरोधी है के? सारी पार्टियां विकास को नहीं करें, मैं एक बात कहना चाहूं, केवल ये बीजेपी वाले मोर मरवा रहे हैं राष्ट्र की, मैं एक बात कहना चाहूं, अरे पंजाब में एक मान सरकार चलन लग रही है, आपने पता होगा 1 साल हो सरकार ना आया ने, जिस दिन सरकार में आया बैरीघाट ने उसी दिन बिजली फ्री कर दी, 600 यूनिट बिजली फ्री देवे भाई साहब, 1 रुपया भी कौन लेवे, और ये लेवेंगे कितने, 2-2-3-3 हजार रुपये लेवेंगे जिसकी 600 यूनिट बिजली आवेगी बिन्ने के, और वो देने लग रहा फ्री। एक बात और बताऊं, एक दिल्ली में भी सरकार है जहां बिजली बनाए कौन, दिल्ली के अंदर कोई पावर प्लांट है कौनी, और वहां बिजली के 600 यूनिट पिछले कई साल से फ्री मिलने लग रही है, तो हमने के कसूर कर दिया, हमने के नुकसान कर दिया बीजेपी वालों को, जो हमने फ्री तो छोड़ो मारे रेट भी कम क्यों नहीं करने लग रहे। मेरा सवाल रणजीत चौटाला जी से है, वो प्रदेश की सरकारें भी चलने लग रही हैं, आपकी सरकार का क्या दिक्कत है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, मन तो नू लग गया भाई साहब, देखो बुरा ना मानियो रणजीत चौटाला जी, मन तो लगा संदूक के संदूक भर लिया आपने, यो सारा बिजली बोर्ड का लाखों करोड़ रुपए आने लग रहे हैं, यो थम सारे के सारे नेता मिल बांट के खा गए।
सवाल तो उठेंगे, 52 पैसे बिजली का यूनिट का रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है पर यूनिट के हिसाब से। अगर महीने के अंदर आपकी 600 यूनिट लगती है, यानी कि 2 महीने के अंदर आपकी 600 यूनिट लगती है, तो 312 रुपये आपके एक्स्ट्रा आने वाले हैं। अगर आपका बिल 700 रुपये आता था तो अब आपका बिल 1012 रुपये आने वाला है, 300 रुपये की फटकार लगी। अगर आपका बिल यानी कि 600 यूनिट के बजाय 1200 यूनिट का बिल आता था तो अब आपको 624 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कमाल की बात है, काम धंधे लोगों के खत्म हो चुके हैं और उसके बावजूद भी सरकारें जो है वो एक आम आदमी के ऊपर बोझ डालने से पीछे नहीं हट रही है। ये उसके साथ साथ में एक सवाल और भी खड़ा होता है, एक तरफ पंजाब के अंदर सरकार है, एक तरफ केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर है, दोनों साइड में बिजलियां जो है वो फ्री के अंदर दी जा रही है, एक तरफ 300 यूनिट एक तरफ 600 यूनिट फ्री में बिजली दी जा रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर शायद बिजली का टोटा हो चुका है या फिर बिजली बोर्ड घाटे के अंदर चल रहा है या फिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आज ये रेट जो है ये बढ़ाने पड़ गए और एक आम व्यक्ति के ऊपर 312 रुपये का थप्पड़ रसीद कर दिया गया। आप इसको किस प्रकार देखते हैं कमेंट सेक्शन में जवाब देना मत भूलिएगा, और अगर आप इस सरकार की नीति से खुश हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें, और अगर आप का मानना है कि सरकारों ने यह गलत किया तो भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो को खुल के शेयर करें, देखते रहे HR20 न्यूज इंडिया। आपकी बात धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी SCF 113 राजगुरु मार्केट हिसार।